नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार मेल और मैं हूं मनोज कुमार। मैं फिलहाल नेशनल हाईवे 2 पे खड़ा हूं और यूपी बिहार करनासा बॉर्डर से लगभग 7-8 किलोमीटर और पूरा मोहनिया टोल प्लाजा के समीप। ये नेशनल हाईवे 2 देश की लाइफ लाइन, सबसे व्यस्ततम मार्ग, अप डाउन में 5000 से अधिक गाड़ियाँ गुजरती हैं, चालक किसे हैं ये पिछले 12 से 14 घंटे से इस जगह पर खड़े हैं। किसी पे मेडिसिन लगा है, किसी पे सब्जी लगी है और छोटी बड़ी और भी गाड़ियां हैं जिन्हें दिल्ली, लखनऊ, बनारस जैसे जगहों पे जाना है। आप ट्रक चालक हैं दादा? जी सर। और देख रहे हैं कि गाड़ी आपकी खड़ी है और आप भी खड़े हैं, आखिर वजह क्या है? वजह साहब, कल 2 बजे रात से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मोनिया से लेकर करमनासा तक जाम है साहब, और न यहाँ कोई पानी की सुविधा, न कोई कुछ विकार, हम लोग खड़े हैं, फालतू का जाम है साहब। और ये परेशानी है, मैं औरंगाबाद से आ रहा हूँ और हमको जाना है राजस्थान, जयपुर। गाड़ी में क्या लोड है? पशुहार लोड है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। और आप कल रात से ही फंसे हैं? फंसे 2:30 बजे रात से अभी तक। जी हाँ। भोजन पानी कुछ नहीं साहब, कहाँ है भोजन पानी, कहाँ मिले सब, उसी परेशान हम लोग, पानी सब के परेशान। जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है, उसी को पी रहे हैं, क्या करें सर। फंसी है, कब आप चले, कहाँ जाना है? पटना से लोड किए हैं, हैदराबाद जाना है, मेडिसिन लोड है। कल शाम से फंसा हूँ, अभी तक फंसा हूँ, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, न पानी का कोई सुविधा है। जो भी है गाड़ी में वो गर्म है, लेकिन क्या करें, झेल रहे हैं। झेल रहे हैं, और दिख नहीं रहा है कि जाम ये छूटेगा भी कि नहीं। अब क्या ठीक है, कोई बता रहा है कि 25 किलोमीटर तक जाम है, तो 25 किलोमीटर तक जाम है तो 25 किलोमीटर कितना दिन में जाएगा, क्या भरोसा है, जब एक दिन 24 घंटा में 12 किलोमीटर आए हैं। लेकिन पहले इस रोड से आप कई बार गुजरे होंगे, तो इस तरह की समस्या पहले नहीं थी? नहीं, पहले तो नहीं थी, अभी 8 दिन पहले गया हूँ तब भी नहीं थी, आज हुई है। और ये उमस भरी गर्मी में ये सभी ट्रक चालक परेशान हैं, चूँकि ये अमेरिका नहीं है, चूँकि अमेरिका की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं सब वातानुकूलित होती हैं, और उसका पूरा कंसेप्ट, पूरा उसका ट्रैफिक सिस्टम बहुत बेहतर है। लेकिन इन ट्रकों में आप बैठ नहीं सकते, जबकि तापमान 40 के करीब है, लेकिन जाम है, और ये जाम अस्थाई जाम है, और इससे निजात दिलाने के लिए न सरकार के पास कोई रोड मैप है, ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास। और जाम के पीछे की वजह केवल बालू लदे ओवरलोड ट्रक हैं, और इन ट्रकों को यूपी प्रशासन अपने सीमा में जाने नहीं दे रहा है, और यूपी बिहार करनासा बॉर्डर पर रोक दिया है, और सभी गाड़ियां बिहार सीमा में खड़ी हैं, लेकिन मारे जा रहे हैं आम लोग।